खंदौली टोल पर देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मृत गौवंशों से भरे एक ट्रॉले को पकड़ा, जिसे खोलने पर उसमें 40 से 50 मृत गौवंश पाए गए। यह देखकर सभी आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। शहर में पुलिस की लाख कार्यवाही के बाद भी गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब इन घटनाओं को काबू करने के लिए बजरंग दल हिंदूवादी कार्यकर्ता भी अब सड़क पर उतर आए हैं और गौ तस्करों के खिलाफ धावा बोल दिया है। ताजा मामला खंदौली टोल का है, जहां देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रॉले को पकड़ा, जिसकी जांच करने पर उसमें 40 से 50 मृत गौवंश पाए गए। यह देखकर सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और प्रदर्शन करने लगे। मामले की जानकारी होते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और घटना का संज्ञान लिया। इस दौरान सीओ एतमादपुर अर्चना सिंह सहित कई थानों के एसओ ने समझा बुझाकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया। बता दें कि घटनास्थल पर प्रांत सह संयोजक दिग्विजय नाथ तिवारी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिसर रामेश्वर सिंह, विभाग गौरक्षा प्रमुख बंटी ठाकुर, आरएसएस गौसेवस चिकित्सक प्रमुख रामपाल राठौर सहित दर्जनों कार्यकर्ता व हिंदूवादी लोग उपस्थित रहे। वहीं पूरा ऑपरेशन विभाग गौरक्षा प्रमुख बंटी ठाकुर की देखरेख में चलाया गया। बंटी ठाकुर, विभाग गौरक्षा प्रमुख, बजरंग दल आगरा विभाग, विश्व हिंदू परिषद। रात 11:30 बजे करीब एक जो है यमुना एक्सप्रेसवे पर जब निकल रहे थे, तो एक अज्ञात बिना नंबर का कंटेनर और जिसमें से भारी मात्रा में खून टपक रहा था, उसे जो है हमने जो है रोका। और जब जैसे ही रोका, उसमें शक हुआ कि इसमें जो है गाय या नंदी जो भी है मांस हो सकता है, तो उसे रोका। तो वो जो है लोग निकल के उसमें से भाग गए उसे छोड़ करके, और वहाँ की स्थानीय टोली को हमने वहाँ फ़ोन करके बुलाया और स्थानीय प्रशासन को बुला करके जब उस कंटेनर को खोल के देखा, तो उसमें 40 से 50 नंदी मृत अवस्था में थे और वो बिल्कुल मर चुके थे, उसमें सड़ रहे थे। बहुत समय से जो है वो उसमें बंद थे और ये बहुत बड़े स्तर पर एक जो है षड्यंत्र के तहत जो है चल रहा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने थाने में इनके खिलाफ तहरीर दे दी है और पुलिस प्रशासन भी इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें।